चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी भोपाल से खबर मिल रही है जहां भोपाल सहित प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। भोपाल से ये खबर, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है, तो 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 5 वेदर सिस्टम के चलते झमाझम बारिश का दौर बना हुआ है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में 5 वेदर सिस्टम के चलते बारिश का दौर बना हुआ है। लेकिन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और कहां क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, जान लेते हैं। हमारे साथ अंकुर जी लगातार बने हुए हैं। अंकुर जी, प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि प्रदेश में 5 वेदर सिस्टम बना हुआ है जिसके चलते लगातार बारिश देखी जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार आज 5वें दिन भी राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई जगह तो अति वर्षा हो गई है, कई जगह जलभराव की स्थिति बन रही है, नदी नाले कई जगह उफान पर है और निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 3 दिन तक और अच्छी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में 5 वेदर सिस्टम बने हुए उनको देखते हुए अच्छी बारिश हो सकती है। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों के अलावा राजगढ़, आगर, नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर जिले के अधिकांश इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और निश्चित तौर पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो किसानों को पिछले महीने बोनी कर दी गई थी तो इंतजार था बारिश का, तो अच्छी बारिश कई जगह हो रही है, लेकिन कई जगह अति वर्षा हो रही तो किसानों की फसलें अति वर्षा में खराब भी हो सकती। फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है, जितने भी जिलों में बारिश हो रही है स्थिति अभी तक नियंत्रण में, लेकिन अगर लगातार इसी तरह से तेज बारिश जारी रहती है तो निश्चित तौर पर कई जगह खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन अभी इस तरह से बहुत ज्यादा खतरे की स्थिति मध्य प्रदेश में तो कम से कम अभी नहीं है। जी बिल्कुल अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। पहले किसानों को भारी समस्याएं हो रही थी, जो कि बारिश नहीं हो रही थी, उन्होंने बोनी कर रखी थी और जो फसल बर्बाद हो रही थी, लेकिन अब बारिश से कहीं ना कहीं किसानों को भी राहत है और कई जगह चूंकि भारी वर्षा भी देखी जा रही है तो किसानों को नुकसान भी हो सकता है। आगे भी मौसम कुछ दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।